नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के लिए कैथल बाईसाइकिल क्लब द्वारा भेजे गए कपड़े। क्लब के सदस्यों ने जिला वासियों के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए की है अपील। उन्होंने नर सेवा को नारायण सेवा से भी बढ़कर बताया। और आप देख रहे हैं कैथल पलपल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। शहर में बाइक साइकिल क्लब द्वारा केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के लिए कैथल जिलावासियों से अपील भी की गई है और उनके लिए अधिक से अधिक कपड़े व अन्य राहत सामग्री भेजी गई है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अपना अधिक से अधिक सहयोग करें और क्लब द्वारा चलाई जा रही इस नेकी की दीवार पर कपड़े और अन्य जो भी दान दिया जा सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भेजें। इस क्लब द्वारा की गई अपील का अच्छा असर भी दिखाई देने लगा है। दो ही दिन में अनेकों नागरिक पुरुष महिलाएं और बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े नेकी की दीवार पर आने लग गए। क्लब के सदस्यों ने नेकी की दीवार पर दिन भर ड्यूटी देकर के लोगों को वस्त्र प्राप्त किए और आज क्लब के सदस्यों द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भेजे गए ताकि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला भर से इकट्ठा किए हुए सामान के साथ में यह वस्त्र आदि भी केरल भेज सके। कैथल बाईसाइकिल क्लब द्वारा सक्रिय सदस्य नवीन मल्होत्रा, सचिव धमीजा और प्रयागराज बालू ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में केरल में भयंकर बाढ़ आई हुई है, वहाँ की जनता का सब कुछ नष्ट हो गया है। ऐसे अवसर में हम सब का फर्ज बनता है कि हम मिल करके देश की जनता की मदद करें। उन्होंने कहा कि कैथल की जनता ने भी पुरजोर प्रयास किए हैं इसके लिए और हम लोगों ने भी वहाँ के पीड़ितों के लिए सामान भेजने के लिए अपील की है, सहायता के लिए अधिक से अधिक योगदान दे सकें लोग, इसके लिए हमने अपील की है। इस कार्य के लिए उन्होंने नेकी की दीवार बना रखी है जिसमें कपड़े, जूते, चप्पल, धोती, चादरें और बाल्टियां आदि जो भी सामान कोई दान देना चाहे वो यहां पर लेकर के आता है। नेकी की दीवार पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, बाईसाइकिल क्लब के माध्यम से जो सक्रिय सदस्य इसमें काम कर रहे हैं उनकी अपील के माध्यम से यहाँ पर ये सामान इकट्ठा किया जाता है और फिर रेड क्रॉस सोसाइटी को ये सामान दे दिया जाता है ताकि उसे इकट्ठा करके केरल भेजा जा सके। जिन लोगों ने इस काम की शुरुआत की है उनमें से सचिन धवीजा, प्रयागराज बालू, राजेंद्र कुमार, रमेश कुमार, बरजिंदर ढुल, शीतल भारद्वाज, पवन बलवान और वेद प्रकाश ने केरल की बाढ़ की पीड़ित जनता के लिए कपड़ों के पैकेट भेजे हैं। इंसान की सेवा करने से भगवान की बड़ी पूजा होती है, भगवान खुश होते हैं। तो हमारे देश के केरल प्रांत में जो है आज बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, वहाँ लोगों के घर बार बिजनेस सब बंद खराब हो गए हैं, तो उनके लिए आज लाखों हाथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, देश के अन्य प्रांत हैं, यहाँ तक के विदेशों के भी जो भारतीय हैं या दूसरे देश की संस्थाएं हैं वो केरल के लोगों की हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे कैथल का एक बाईसाइकिल क्लब जो कि एक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए क्लब बना था और उसने एक समाज सेवा का रूप धारण कर लिया है और कुछ वर्ष पहले एक नेकी की दीवार का गठन किया था जहाँ लोगों से अपील करते हैं कि वहाँ वो कपड़े, जूते, अन्य सामान जो है लोग दान दे के जाते थे और उनको हम गरीब लोगों के बीच में बांटते थे। लेकिन अब जब केरल में आपदा आई है तो अमीर लोग भी वह प्रभावित हुए हैं, तो हमने लोगों से अपील की कि केरल के लिए नए कपड़े, चाहे बच्चों के हैं, महिलाओं के हैं, पुरुषों के हैं, जूते हैं या अन्य सामान, बाल्टियाँ हैं, डब हैं, कपड़े हैं, चादरें हैं, धोतियाँ हैं, तो ये सामान जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में दें ताकि इनको हम नेकी की दीवार के पर इकट्ठा करके हरियाणा के प्रदेश की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, हरियाणा के कैथल की जो हमारी उपायुक्त है सुनीता वर्मा जी, उन्होंने भी जो है अपील की है पूरे जिला से लोगों से अधिक उन बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आएँ और उनकी हेल्प करें। आज जो है नेकी की दीवार की तरफ से सभी साथी, शहर क्लब के सभी साथी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ये सामान इकट्ठा किया है वो रेड क्रॉस के हवाले कर रहे हैं ताकि उन बाढ़ पीड़ितों के पास पहुँचाया जा सके। मैं पुणे कैथल जिला के लोगों से ये अपील करता हूँ कि उन भाइयों के, वो हमारे भाई हैं केरल निवासी, उनकी हेल्प के लिए आप अधिक से अधिक जो है सामान दें, चाहे वो चादरें हैं, चाहे वो धोतियाँ हैं, चप्पलें हैं, कपड़े हैं, बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, अन्य सामान जो भी है वो दें ताकि उनकी जो मुसीबत की घड़ी आई है उस समय उनको कुछ राहत पहुंचाई जा सके। आपदा आई है और आज जो है उनकी हेल्प के लिए आपने लोगों से अपील की और लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया और आज उनको ये अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े दिए जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं
कि जो केरल के अंदर बाढ़ आई है बहुत ज़्यादा त्रासदी मची है, जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। हमेशा कहा भी जाता है और सुना भी जाता है, नर सेवा नारायण सेवा। तो समाज में हर कोई लोग एक दूसरे की सहायता के लिए बने हैं। आज अगर वो दुखी हैं तो हम उनकी सहायता करेंगे, आज अगर हमारे हरियाणा में अगर कोई दुख की कोई विपदा आ जाती है तो वो हमारी सेवा करेंगे, सहायता करेंगे। इस हिसाब से नर सेवा नारायण सेवा को देखते हुए आज हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में पूरे प्रदेश के अंदर उनकी सहायता के लिए सभी लगे हुए हैं। आज कैथल बाइसाइकिल क्लब के सभी सदस्यों ने अपने सहयोग से नेकी की दीवार से अपने सभी साथियों ने सहयोग करके नए कपड़े इकट्ठे करके आज रेड क्रॉस सोसाइटी को दे रहे हैं ताकि केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। दीवार बनाई गई है उस पर जो है आज केरल में जो आपदा आई है उसके लिए लोगों से अपील की थी और कपड़े इकट्ठे करके जो है उनको दिए जा रहे हैं, तो क्या इसकी जो सोच है और क्या एक संदेश देना चाहेंगे? कैथल बाइसाइकिल क्लब हर रोज़ नेकी की दीवार पर सामाजिक कार्य करता है और केरल में जो आपदा आई है अपने भाइयों की सहायता के लिए इन्होंने समाज से अपील की थी। समाज ने बढ़ चढ़कर हिंसा लेकर नए कपड़े नेकी की दीवार पर दिए हैं। आज बाइसाइकिल क्लब कैथल केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए रेड क्रॉस को ये कपड़े अपनी तरफ से भेंट कर रहा है।